जी जी या रूना रूना फ्रॉम वेब दुनिया. मैदान का ये जो ट्रेलर देखा बहुत सुंदर है, और मुझे ये बताइए आपके अंदर का स्पोर्ट्समैन कितना जाग पड़ा जब आप इस फिल्म में एकदम एंट्री किए हैं, पूरे शूट किए हैं तब. आई थिंक इट गेट्स वेरी एक्साइटिंग जब आप कोई मैच भी घर पे देख रहे हो या कहीं खेल रहे हो, तो सडनली यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर यंगर देन व्हाट यू आर. So it gets very, very exciting. और जैसे इन boys ने जो खेल रहे थे, it is amazing. अमित ने जैसे कहा कि इनको साल भर ट्रेन किया, लेकिन ये इतना अच्छा आप खेलते हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये सिर्फ एक साल की ट्रेनिंग है. मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खेला, जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरा एक सीक्वेंस था, बस उसके लिए खेला मैं. हेलो अमित एंड बोनी जी, इधर इधर सेम साइड लेफ्ट. मैं उपमा हूँ नवभारत टाइम्स से. जैसे आप लोग बता रहे थे कि आप लोग का जो जर्नी था, आप लोग का स्ट्रगल था, वो भी एक मतलब जितना जद्दोजहद रहीम साहब को करनी पड़ी थी वो अपने टीम तैयार करने के लिए, उनको विक्ट्री दिलाने के लिए उस टीम को, वैसे इस फिल्म को बनाने और यहाँ तक लाने के लिए आप लोगों को भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी. लॉकडाउन वी हैड द सेट स्टैंडिंग फॉर ऑलमोस्ट 3-3.5 ईयर्स एंड वी यूज्ड टू शूट. लॉकडाउन का जब एक विंडो ओपन आता था, ऑल द प्लेयर्स हु वर कमिंग फ्रॉम ओवरसीज एंड द क्रू विच वॉज कमिंग फ्रॉम ओवरसीज वुड लैंड हियर, वी वुड शूट फॉर से मे बी 8-10 डेज. एक आध मैच शूट होता था, दोबारा लॉकडाउन शूट. ऐसे हमारे साथ 3 बार हुआ है. उस चक्कर में मतलब मेहनत तो दूर की बात रही, मुझे ऐसा लगता है टू हैव दैट पेशेंस. देखो मेहनत तो हम जो भी जॉब होता है हम पूरी तरह करते, बट समटाइम्स यू लूज पेशेंस. आई एम ग्लैड दैट माई क्रू डिडंट लूज पेशेंस. और आपको एक चीज़ बताऊं, पिक्चर जब ख़त्म हो गई, मैचेस भी हमने शूट कर लिए, तो मुझे अमित ने कहा कि यहाँ पे हमको सिर्फ इंडियन फेसेस नहीं दिखाने, ऑडियंस में फॉरेनर्स भी दिखाने. तो मैंने बोला उसका क्या इलाज, यू वांट टू गो टू एवरी कंट्री. तो खैर, देन आर प्रोडक्शन टीम डिसाइडेड कि नहीं, बैंकॉक में हर कंट्री के कोई ना कोई हमको मिल जाएंगे फेसेस. तो वी वेंट टू, आई मीन अमित वेंट टू बैंकॉक. And he was there for 9 days only to take the crowd shots. So, ये भी एक तरीका है मेहनत का. It was passion with मेहनत, because after the film is complete होता क्या है कि सब लोग अंगड़ाई लेने शुरू करते हैं, यार हो गए भी ख़त्म. But ये last minute तक लगे हुए थे. हमने एक continuity की बस इधर use की थी, same बस अमित insisted कि उधर बैंकॉक में भी हो. तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो अमित ने हमसे करवाई और हमने खुशी खुशी की. वो तो ऑब्वियस ही बात है, फ्रस्ट्रेटिंग तो था ही. मतलब तैयारी करो और शूटिंग नहीं हो तो फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाता है आदमी. या इट वॉज, बट आई थिंक जब शूट होता था तो फिर होता था, फिर वो कमाल होता था और मज़ा आता था बहुत. सो दैट्स हाउ वी कंप्लीटेड द होल फिल्म. Hi, Amit. To your extreme left, yeah, right here. Hi, this is Kunal here from India Forums. Firstly, congratulations. The trailer looks fabulous. And someone who's also been, you know, played football in the past, Raheem Saab was something which people. It was like a case study for us right away. So my question to you is, after watching the trailer, that we've seen, you know, we even know like this is a little more popular than. But his formative years were also really, really important because you know the fact that he joined an amateur club, SSV Hoek, and though he did not play much, but you know he was a part of a Dutch club back then, and all those parts, you know, in tidbits, it was not really out in the open. So are those things a part of the film, or maybe you know there are glimpses which probably warms up the audience that okay, you know, it is a myth. He has a legacy. In his playing your key days as well. यार इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना लंबा क्वेश्चन था, तो आंसर तो इसका एक वर्ड में ही होना चाहिए. No, we have not shown him his legacy that he used to play and all that. We have not even spoken about that. But we have been clear that you know he was the super coach what we had at that time, and we have only spoken about that. अमित जी, मेरा भी सवाल इसी से related है. मैं दो फिल्मों का जिक्र करना चाहूँगी. एक फिल्म थी जो आज़ादी के पहले सूरी सेन जी ने लड़ी थी, उस पर आधारित थी फिल्म खेले हम जी जान से. वो आज़ादी पाने की जद्दोजहद थी. दूसरी फिल्म अगर हम ले तो वो थी चक दे इंडिया, जो देश को फिर से उठाने की कोशिश थी. लेकिन
ये जो आपकी फिल्म है उसमें जो रहीम जी का कैरेक्टर है वो 10 साल की जो मेहनत है अपने, जैसा कि आपके ट्रेलर में भी कहा है कि ये इंडिया को पहचान दिलाने की जद्दोजहद भी थी, लेकिन तीनों में एक ही चीज़ कॉमन था कि उन लोगों ने बहुत कमज़ोर टीम को लाकर विश्व के मंच पे खड़ा किया। तो जो आपकी देशभक्ति है, आपकी फिल्म की में जो देशभक्ति है, वो इन दोनों फिल्मों से कितनी अलग है? देखिए, जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं और हम एक आर्मी की बात करते हैं ना, जब जो फ्रंट पर लड़ रहे होते हैं, हम जिनकी वजह से सेफ बैठे हुए हैं, जब मैच हो रहा होता है तब ग्राउंड के ऊपर जो प्लेयर्स भाग रहे हैं वो लड़ रहे हैं अपनी अपने देश की इज्जत को बरकरार रखने के लिए, और मैदान भी वो उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, इंडिया, यू नो, यूनिटी, इंडिया साथ में, वो यही बोल रहे हैं। तो ना, आज मैदान में उतरना 11 लेकिन दिखना एक, दैट इज़ वॉट हिज एक्चुअली मोटो वॉज, दैट यू नो दैट हम लोग एकदम नए, वी वर ब्रांड न्यू, लाइक वी वर किड्स, वी वर लाइक आवर कंट्री वॉज 5 ईयर ओल्ड 1952 जब उन्होंने ये टीम बनानी शुरू करी, और बनाते 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 में 1962 तक वो टीम पूरी तैयार हुई, जो जो जिसका फल हम लोग को मिला कि हम लोगों ने एशियन गेम्स जीते हम लोग। सो दैट होल थिंग ऑफ इंडिया एंड इट्स अबाउट द इमोशन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस फिल्म, हिज इमोशन टुवर्ड्स द कंट्री, उनका इमोशन कंट्री की तरफ क्या था, दैट अगर हम फुटबॉल में अच्छे होंगे, फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो दुनिया भर में खेला जाता है, और अभी हम तो एकदम बच्चे हैं, लाइक यू नो वी आर जस्ट 5 ईयर ओल्ड कंट्री, तो हम वी वर ब्रिटिश इंडिया बिफोर दैट, तो हमारा नाम हर उस कंट्री में जाना जाएगा जिसमें वो स्पोर्ट्स खेला जाता है, फुटबॉल, दैट वाज हिज थिंग। हेलो अजय सर। हाय। ओके अजय सर, ओवर हियर ऑन योर राइट, सर ऑन योर लेफ्ट, सॉरी। अजय सर, आप ऑलवेज बीन इन अ वेरी डिफरेंट रोल, जब भी आप रोल निभाते हो पूरी तरह से 100% उसको देते हो, सो मुझे ये जानना था आपने इस रोल के लिए व्हाट ऑल प्रिपरेशन यू डिड। आई थिंक आई आंसर दैट क्वेश्चन, जब मैं कोई भी फिल्म या कोई भी कैरेक्टर करता हूँ तो आई स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट कैरेक्टर, बट बियॉन्ड दैट मेरे पास नरेशन से लेके प्रिपरेशन तक अमित ने इतनी तैयारी की हुई थी, I had to just listen to him and just follow it. Hi. गजराज जी, आपके अनुसार वो ऐसे कौन कौन से प्रोड्यूसर हैं जो बड़े दिल के नहीं हैं? आपने अभी बताया। देखो, कोविड के बाद बड़ी मुश्किल से काम मिलना शुरू हुआ है, तो वो फोन आने बंद क्यों करवाना चाहते हो, क्या दुश्मनी है आपकी? आपने बताया कि हाँ, वो बताया, लेकिन नाम क्यों बताऊं? वो तो बना के रखनी पड़ेगी ना। अजय देवगन जी भी प्रोड्यूसर हैं। अजय देवगन, एब्सोल्युटली। आप एक जवाब दीजिए कि आप में से कौन कौन अच्छे जर्नलिस्ट नहीं है? उन्होंने बताया ना, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, देवगन साहब के साथ भी मैंने काम किया, एक गेस्ट अपीयरेंस किया था भोला में, तो वहां पे भी मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा था। अजय जी, सो आप मानते हैं कि ये फिल्म आने के बाद जितना क्रेज लोगों के अंदर क्रिकेट को लेकर है, उतना ही क्रेज फुटबॉल को लेकर भी? यार, वो तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि ऑडियंस का रिस्पांस क्या होता है। जो एक्साइटमेंट फिल्म देख के होती है और जो फीलिंग आती है फुटबॉल के लिए, आई थिंक उसमें बहुत बड़ा फ़र्क तो पड़ेगा लोगों को ये फिल्म देख के। अब फाइनल रिएक्शन ऑडियंस का क्या होता है, ये तो आप मुझे फ्राइडे को 3 बजे के बाद ही बताएंगे। हेलो हेलो, हियर योर लेफ्ट हैंड साइड, शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन। अजय जी, मेरा सवाल आपसे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट, काफ़ी अमेजिंग है ट्रेलर। भारत का जो सुनहरा इतिहास रचा गया, उसका जिक्र हुआ है, पूरी कहानी जो है बताई गई है। वेल, अजय जी, मेरा सवाल ये है कि जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई, जब ये ऐसा किरदार आपने सुना, तो वॉज इट इमीजिएटली यस फ्रॉम योर साइड फॉर दिस प्रोजेक्ट, या फिर किस तरह से? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई कैरेक्टर हिस्ट्री में था और फुटबॉल इस पीक पे हिंदुस्तान में पहुंचा था, तो व्हेन आई हर्ड अबाउट इट एंड जो जिस डिटेल में कहानी मैंने सुनी, आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई डिसाइडेड टू डू इट। और मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन था कि ये अगर मुझे भी नहीं पता था तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो आई थिंक ये बात हर हिंदुस्तानी तक पहुँचनी चाहिए। और ये आइडिया लेवल पे सिर्फ 15 मिनट में ओके कर दिया। हम लखनऊ गए थे अजय को मिलने के लिए,
इट टुक हिम जस्ट 10-15 मिनट जिस आई एम डूइंग द फिल्म. तो ये फिर उसके बाद हमने पूरी जब स्क्रिप्ट भी पूरी नरेट की तो दैट सील्ड द मैटर. बट इनिशियली ही वॉज पॉजिटिव राइट फ्रॉम द टाइम ही हर्ड द आइडिया एंड विद इन 15 मिनट्स ही आस्क्ड अस टू गो अहेड एंड कंप्लीट द स्क्रिप्ट. Next question, you have. Yeah, Upala. Hi, this is Upala from Midday. My question is for Mr. Akash Chawla, Mr. Joyson Gupta. Your production house, Freshline Films, has this reputation of, you know, producing content-driven films, which includes Maidan today. Now, Anandi Gopal, your Marathi movie, won a lot of national awards. And it inspired, you know, the president of the Symbiosis to also make a medical college, women's medical college. Can we expect something similar, inspired from Maidan, including sweeping the national awards, which also Anandi Gopal did? Because the trailer looks fantastic. Thank you, Upala, for talking about it. So I'm not going to comment on the national awards. I'm not going to comment on anything right now. Like Ajay sir said, we'll know the audience response after 3 p.m. on the Friday. We just feel the fact that, you know, at times, you just need one hero. You know, you just need one hero which people can follow. And suddenly things change. Like Boniji mentioned about the 83 World Cup, which catapulted the cricket generation to a completely new level, the cricket craze to a new level. And in this film, we are talking about many heroes. We are talking about those Indian heroes that people don't know about or partly know about. Mr. Rahim, Mr. P.K. Banerjee, Thangaraj, I mean, all these, Mr. Balram. How many people actually know the fact that Mr. Tulsidas Balram was actually called the Pele of Asia? And things which are true, it's just the fact that they've not come forward. So we are just hoping as a team that we inspire a whole new generation that can take the sport of football in India to a completely new level. If we are able to do that, if people are able to recognize and realize what Rahim Saab was, who he was, and want to probably take it, you know, towards his dream that was to take India to the pinnacle of football, I think that's a great award that we would actually be happy with. Thank you so much. Hi, Ajay sir. On your extreme left, yeah, Samir here from Movie Talkies. So it usually happens with your festival is that, you know, the films clashes with some other film. And even with Maidan. I was waiting for yeah, so even I was waiting. Actually, har film ke time yahi sawal hota hai, you know, usually. Yeah. तो यू नो इसका भी क्लैश हो रहा है बड़े में या छोटे में के साथ. सो देखिए सबसे पहले तो मैं क्लैश नहीं कहूँगा और अगर आप क्लैश कहते हैं तो आपकी लैंग्वेज में मैं चाहूँगा कि कोई दो फिल्में एक साथ रिलीज़ नहीं हो, लेकिन देर आर सब कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से करनी पड़ती है. और आई थिंक दोनों अलग अलग जॉनर की फिल्में, हम सब एक फैमिली की तरह हैं, हम दोस्त हैं. तो आई थिंक ये हम क्लैश की तरीके से नहीं देख रहे इसको, हम देख रहे हैं कि अच्छा बड़ा वीकेंड है और दोनों फिल्में बहुत अच्छा करेंगी. प्रियमणि मैम, रिसेंटली यू हैड अ हिट फिल्म लाइक आर्टिकल 370 एंड नाउ यू हैव मैदान कमिंग. यू नो यू हैव बीन अवे फ्रॉम हिंदी सिनेमा लाइक फॉर लाइक इन द मिडल टाइम, बट नाउ यू आर कमिंग बैक विद लाइक यू नो बैक टू बैक फिल्म्स. हाउ डज इट फील? फील्स ग्रेट. I'm happy, feel very excited, and again, I can't wait for people to watch this masterpiece as well. Ek cheez aur main batana chahunga, I would like to enlighten the media. It was Saeed Abdul Rahim who got our first Olympic jo humne khela tha football. The players were barefoot. And this coach, Abdul Rahim, was the one instrumental getting the shoes for the players. And in India, those days, the game used to be played for 70 minutes. In India, all the football games or competitions were held for just 70 minutes. And internationally, they were played for 90 minutes. So it was again the effort of Saeed Abdul Rahim Saab, that this India mein bhi tabdili hui. Kyunki aksar initial days mein jab Saeed Abdul Rahim bhi coach the, to 70 minute ke baad humare players thak jate the. Boni ji, puri kahani yahi sunaoge ki picture bhi dekhne doge? डोंट गेट टू एक्साइटेड, आधी इंडस्ट्री को पिक्चर भी दिखा चुके हैं. लास्ट क्वेश्चन नाउ, लास्ट क्वेश्चन. जय जी ओवर राइट एंड शारिक शेख फ्रॉम बजूका. और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि ये फिल्म फुटबॉल एसोसिएशन जो है अभी के उनको भी दिखानी चाहिए और ताकि और जो है स्पोर्ट्स इम्प्रूव हो, आपके हिसाब से क्या? अजय जी आपसे
किसे मेरे से पूछ रहे हो? अजय 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 डी से. क्या क्या दिखानी चाहिए? जरूर दिखानी चाहिए. आई थिंक बिल्कुल. आई थिंक दे आर प्लानिंग समथिंग ऑल्सो लाइक दिस. ये हम तो जितने ज़्यादा लोग देखें उतना बेहतर है. और डेफिनेटली फुटबॉल के जितने भी अथॉरिटीज हैं सबको दिखानी चाहिए. बिल्कुल. थैंक यू एवरीवन फॉर द क्वेश्चंस. अब मैं बुलाना चाहूँगा पूरी टीम को. प्लीज़.